Hello everyone, this is your mathematics educator Abhinav Jha and I hope everyone is doing absolutely amazing. And welcome all of you on this incredible platform of I 30 learning. So, but obviously, our JEE Mains jo January attempt to close, -gaya hai, and we have hardly around 5 to 6 months. So, we need to start preparation in a very, very uh, short time round, and we have to cover up all the questions. Which we need to prepare for JEE Main's 2024. तो उसके लिए गाइस हम लोग लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज हर साल के 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 सालों में हम आपके साथ मैथमेटिक्स के डिस्कस करने वाले हैं इस वेरी प्लेटफॉर्म पे जिसका आज पहला दिन है तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं टू के इस अमेजिंग से क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेट्स गो सो so गाइज हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है एंड दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक सर्कल है जो कि पास कर रहा है वन कॉमा माइनस टू से एंड इट इज टचिंग द एक्स एक्सेस एट द पॉइंट थ्री कॉमा जीरो तो वो और कौन से पॉइंट से पास करेगा हमें ये बताना है राइट सो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन इफ यू कैन लुक इन टू हेयर और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो <coughs> बेसिकली इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अटेम्प करते जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट द पॉइंट ओके ओके सो गाइज ऑल्सो हाउ वी एक्चुअली अटेम्प्टिस काइंड वेरी वेरी बेसिक वे कैसे करेंगे देखो ध्यान से तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू अज्यूम द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस लैमडा टाइम्स ऑफ वाई बिकॉज ये जो वाई इज इक्वल टू जीरो राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल राइट इसको हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल्स में पढ़ते हैं अगर ये कोई दूसरी लाइन होती जैसे एक्स प्लस वाई होती तो जाएगा लैमडा एक्स प्लस वाई राइट right? पर ये x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू जीरो है सो दैट्स व्हाई लैम्डा y एंड ये पास कर रहा है थ्री कॉमा जीरो से सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बस गाइस अब हम लोगों को पता है कि ये सर्कल वन कॉमा माइनस टू से भी पास करता है राइट दैट मीन्स सर्कल कुछ ऐसा वाला होगा है ना ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है राइट देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कल्स विच आर पॉसिबल सो डेफिनेटली दिस इज ऑफ दिस कैटेगरी बिकॉज वन कॉमर माइनस टू से यह सर्कल पास कर रहा है ओके सो लेट मी सब्सिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वन कॉमर माइनस टू ऑन द सर्कल तो मैं, जैसे ही मैंने वन कॉमर माइनस टू डाला एक्स की वैल्यू वन डाल दी तो ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन माइनस टू स्क्वायर plus lambda times of minus 2 is equals to 0. So from here, I will get 4 plus 4 minus 2 lambda is equals to 0. That means I will get 2 lambda is equal to 8. That is, lambda is equals to 4. Right, everybody? So lambda will come out to be 4 here, which is a very, very basic thing. And if you look into this thing, you can clearly understand, guys, that ka answer to वो आप सैटिस्फाई करा के निकाल सकते हैं राइट सो वी कैन इजीली सैटिस्फाई दिस इक्वेशन राइट लैमडा की वैल्यू को मैं फोर रख देता हूं तो यहां पे कितना पर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्स वाई माइनस फोर लैम फोर दिस बी व्हाट वाई यू कैन से दैट प्लस टू का होल स्क्वायर इज इट इट इजेड एवरीबडी यहां पे अगर फोर ला रहा हूं तो राइट हैंड साइड में फोर को मेरे को रखना जरूरी होगा राइट right? क्योंकि तो यहां पे आप खोलोगे तो फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर आएगा फोर फोर कट जाएगा सो यूल गेट इन दिस इक्वेशन तो ये मेरा एक्चुअल में मेरा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन आ गई ये मेरा सर्कल की इक्वेशन आ गई नाउ आई हैव टू चेक दैट कौन सा पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सो आई कैन सी दैट ऑब्वियसली टू कॉमा माइनस फाइव और माइनस टू कॉमा फाइव तो किसी भी केस में सेटिसफाई नहीं करेंगे आई थिंक सो फाइव कॉमा माइनस टू विल डायरेक्टली सैटिस्फाइड अगर आप देखोगे यहां पे फाइव पुट करोगे टू का स्क्वायर एंड माइनस टू विल मेक दीरोज इक्वल टू फोर दैट मीन्स आवर करेक्ट आंसर हियर इज एप्सोल्यूटली ऑप्शन बी ओके सो बहुत ज्यादा लेंदी सवाल नहीं था राइट इट वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वी कैन सॉल्व दिस क्वाइट क्विकली इफ यू हैव दिस नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमें आना चाहिए था चलिए ओके गाइस सो वी हैव अ वेरी बेसिक अगर मैं स्लोप की बात करूं तो कितना आ रहा है माइनस वन बाई रूट थ्री राइट दैट इज माई स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे अगर आपके पास एक तरह से आप देख सकते हो दिस इज मेकिंग माइनस वन बाई रूट थ्री तो ऑब्वियसली आपका ये माइनस थर्टी डिग्री बना रहा है तो ये ऑब्वियसली आपका प्लस थर्टी डिग्री बना रहा होगा जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है सो कैन आई से दैट द स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी वन बाई रूट थ्री एब्सोल्यूटली वी ऑल्सो क्या एकदम एकदम एनसीआर लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे जे ने तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई माइनस वाई वन दैट इट विल ऑब्वियसली पास थ्रू दिस पॉइंट ऑफ यू कैन ऑब्वियसली गेट दिस पॉइंट वेयर इट विल बी इंसिडेंट अगर आप वाई को जीरो रखोगे तो एक्स रूट थ्री आ जाएगा तो रूट थ्री कॉमा जीरो से पास करेगा तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन करेक्ट सो वी विल गेट रूट थ्री वाई एक्स माइनस रूट थ्री वॉट एन अमेजिंग एंड ईजी क्वेश्चन राइट तो ये सारी बेसिक बेसिक आंसर क्वेश्चन थे एंड दिस विल बी आंसर ऑप्शन ए विल करेक्ट माइ डियर स्टूडेंट्स हम लोग फटाफट हाँ इफ वी हैव

तो right, so, से मेरे पास क्या आ गया? already नो कि मेरा जो x प्लस जेड है वो टू वाई के बराबर है बिकॉज दे आर इन एपी जब कोई दो चीज या तीन चीज एपी में होती हैं

राइट right? ऑब्वियसली जैसे आप बोलोगे टू 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 हमेशा से क्या होगा एपी और जीपी में भी एपी में क्यों है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज जीरो जीपी में क्यों है क्योंकि कॉमन रेशियो इज वन दैट मीन एक्स वाई जेड हैव टू बी द सेम फैंटास्टिक लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम जो काफी बारी uh, जेई मेन्स लेवल पे uh, पूछा गया है है ना एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इन जेईई मेंस बट अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है सो आई डोंट थिंक सो यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तो चलिए गाइस लेट मी स्टार्ट लाइक हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन सो गाइस अगर आपको ये इंटीग्रेशन आपको पताना है ठीक है और आपको f(x) dx का इंटीग्रेशन sin(x) दिया हुआ है जैसे कि आप लोग को पता है कि जो फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्स क्यूब है तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है फिलहाल के लिए वी नीड टू ब्रिंग इन समॉट लाइक ऑफ तो मैंने क्या किया इसके लिए यहाँ पे क्यूब को मैंने टी पुट कर दिया ठीक है तो मेरा क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी फाइन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर मेरा क्या आ जाएगा डी टी अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा इट विल बी वी कैन कीप इट लाइक एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एंड ये हो गया मेरा एफ ऑफ टी ठीक है और है ना यस yes. क्या मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स जो बच रहा है उसको मैं डी टी बाई थ्री लिख सकता हूं क्या राइट आई कैन एब्सोल्युटली तो मैंने इसको क्या लिख दिया डी टी बाई थ्री और इस एक्सक्यूब को मैंने लिख दिया वापस से टी आई होप सब लोग समझ गए होंगे मैंने इसी स्टेप में कर दिया है यहां पे राइट सो दिसम नाउ टी इन टू एफ ऑफ डी टी टी डी बाई थ्री सो नाउ दिस बिकम दिसन सो इसको कैसे अटेम्प्ट करें सो डेफिनेटली वी कैन यूज आवर वेरी फेवरेट आईलेट रूल है ना तो यहां पे वी कैन सिंपली यूज यू इनटू वी रूल तो वन बाई थ्री को बाहर रख देते हैं एंड वी कैन इंटीग्रेट टी एफ ऑफ टी टी तो मैंने T को छोड़ा तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी आ गया मेरे पास माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन ठीक है विच इज वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी आ जाएगा प्लस सी ग्रेट तो ये मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा अब साफ-साफ सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt कितना होगा सबको पता है f ऑफ x dx होता है sin x तो ये कितना आ जाएगा sin ऑफ t इजंट इट ये कितना आ जाएगा मेरे पास sin ऑफ t dt और dx को लेकिन डी यहां पे जो है ये कितना आ जाएगा आपके पास सिंपली 1/3 t into साई of t dt साई of t. <coughs> Great. और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस बी साई ऑफ will be what? आपके पास यहाँ पे simply आ जाएगा साई ऑफ एक्स डीएक्स Isn't it? इसके बाद यहाँ पे into dt होने वाला है, right? तो इस dt को मैं क्या लिखूँगा? इस dt को मैं लिख three x square dx. डी एक्स प्लस ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पे जो ये dt है इसके इसका तो इंटीग्रेशन हो रहा है फिर पूरे का DX लिखा है। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब फाइनली मैं टी को सब्सटीट्यूट कर दूंगा एक्सक्यूब से और साई ऑफ टी बन जाएगा साई ऑफ एक्सक्यूब सो फाइनली आई गेट वट आई गेट वन बाई थ्री जब मैंने इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स क्यूब इंटू साइ ऑफ एक्स क्यूब माइनस नाउ थ्री थ्री विल कैंसिल आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्स दिस विल बी माई फाइनल आंसर प्लस सी ओके सो विच आई एम गेटिंग एज ऑप्शन बी यस ऑप्शन बी इज करेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला पॉइंट बहुत ट्रिकी था यहाँ पे बच्चे अक्सर डी मिस कर देते हैं और मैंने इसीलिए बाद में आपको बताया ताकि आप इस चीज को याद रखो कि यहाँ पे ये टी के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है ये तो हमको समझ में आ गया ये तो आपका साई ऑफ एक्स आया है ना राइट right? एंड साई ऑफ क्यूब हो गया क्योंकि यहाँ पे साई ऑफ टी आएगा तो साई ऑफ टी तो आपका ऑफ क्यूब बन गया यहाँ पे राइट एंड देन दैट दिस इज साई ऑफ क्यूब यस क्योंकि साई ऑफ टी आया साई ऑफ टी मतलब साई ऑफ क्यूब है साई ऑफ एक्सक्यूब को हमने यहां पर रख दिया पर इस डी टी को यह चीज समझ रहा है कि ये वैल्यू रखनी पड़ेगी एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अक्सर स्टूडेंट मिस आउट एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉब्लम सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द्व ओके है इसका फोकाई निकालने के लिए मुझे असेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा

उट ए मेरा कितना है साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ए इज फोर एंड बी इज थ्री राइटरस्टैंडिक लवली ग यहां पर मैं कितना निकालूंगा प्लस माइनस रूट सेवन कॉमा जीरो आ जाएगा इज एनिक्ट प्लस माइनस रूट सेवन कॉमो जीरो आ जाएगा स द सर्कल ये हो गया एंड द सर्कल वुड बी समॉट लाइकडी नो दैट देंटर इज एट जीरो तो बस मेरे पास सेंटर है रेडियस तो मैं इस रूट सेवन कॉमा जीरो से आर स्क्वायर निकाल लूंगा राइट एवरीबडी सो फाइनली माईक्वेशन विल बी एक्स माइनस जीरो दी होल स्क्र

That means x square plus y square minus 6y minus 7 is equal to 0, that is option B. That is a difficult question, definitely. Nahi tha. And uh, definitely, guys, we will continue this amazing series uh, in the coming days and we will bring up some amazing questions from all of the years. Hai na? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, and 23 as well. So, guys, do not forget to like, share, and subscribe this amazing channel of i30. Till then, signing off, your mathematics educator Abhinav Jha. Bye bye. Take care.